अल्लाह सल्ला मोहम्मद दिन वाला मोहम्मद असल कैसे हैं जी उम्मीद है ठीक होंगे जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्पेशल किस्म के पकौड़े जो कि बड़े ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी बनते हैं मैंने तीन से चार आलू लिए उनको बारीक बारीक मैंने ना उनको स्लाइस की शक्ल में काट लिया ये देखे ज़्यादा मोटे वाले हमने स्लाइस नहीं रखने जितने बारीक हम स्लाइस रखेंगे उतना ही ये क्रिस्पी बनेंगे और ख़स्ता बनेंगे सारे आलुओं की ना इस तरह हम लोगों ने इसके छोटे छोटे स्लाइस कर लेनी है तो जनाब इसके अंदर जो है तीन से चार अदद मैंने प्याज भी डाले हैं ठीक है उसके अलावा चार से पाँच सब्ज़ मिर्चें हैं मिर्ची आपकी वैसे अपने हिसाब से है तो आपने प्याजों को भी इसी तरह स्लाइस की शक्ल में बरीक बरीक काट लेना है और सब्ज़ मिर्च का भी उसके अलावा डेढ़ सारा सब्ज़ धनिया और पालक है इससे पकोड़े इतने मज़ेदार इतने क्रंची इतने मज़े के टेस्टी हैं ना कि वल्ला खाने वाला भी खुश हो जाता है ठीक है जी ये माह रमज़ान की सीरीज इन शाह तला स्टार्ट की हुई है जो हर आने वाले दिन में आपको सैरी और रफ्तारी के लिए ज़रूर जो डिशेस हैं वो बताई जाएंगी ठीक है जी ये जनाबे वाले हमने सबस मिर्च की कटिंग कर ली इस तरह बारीक बारीक काट लें क्योंकि जितनी बार एक मरच होगी ना उतनी ज़्यादा ही टेस्ट देगी ये वाली इसके बाद एक खुला साहब बोल लिया कि उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने मिला लिए उसके बाद आ जाता है जी खुशक मसाला ठीक है मसाले आपने अपनी पसंद पे रखने हैं कोई धनिया नहीं सब डालता है कोई पसंद करते हैं मगर तो जो चीज़ें आपको नहीं पसंद वो ना डालें ये जनाबे वाला मैंने बहुत ज़्यादा पालक और सब्ज़ धनिया डाला है एक चम्मच मैंने नमक का डाल दिया एक चम्मच चिली फ्लेक्स का ठीक है जी उसके बाद है सुरख पाउडर का हाफ टी स्पून उसके बाद है जी थोड़ी सी हल्दी जी उसके बाद है जनाबे वाले थोड़ी सी काली मिर्च ये सारा मसाला आपने मिक्स करके तो जनाबे वाले थोड़ी सी जवाइन भी डालनी है ज्वाइन का ये है कि आप रमज़ान में अगर रफ्तारी भी करेंगे तो सारा दिन कुछ भी ना खाया होगा पकौड़े और पानी शरबत वग़ैरह हम पियेंगे तो हर चीज़ हज़म कर देती है इसके बाद तीन चार से पाँच चम्मच मैंने डालने हैं बेसन के ठीक है हमने इसको वो ज़्यादा वाला थिक नहीं करना कौड़ों को वो वाली फार्म नहीं लेके आनी हमने इसको ना थोड़ा सा वो क्या कहते हैं क्रंची क्रंची सा बनाने के लिए ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बेसन लगाना है ताकि इसके जो है ना स्लाइस नज़र भी आए ये देखें और आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना बल्कि हाथों से करें तो ज़्यादा अच्छा ये देखें मैंने भी हाथ इस्तेमाल कर लिया क्योंकि चम्मच के साथ इतनी अच्छी उसकी ना मिक्सिंग नहीं होती जितनी हाथों के साथ होती है ये देखें इस तरह अपने अच्छी तरह मिक्स करके तो जितना आप लास्ट पे जो है ना वो आपने लीम डालना है लेमन दो ले लें एक ले लें उसका अच्छी तरह रसा आपने डाल लेना है और मीठा सोडा तो बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि मीठे सोडे से ना जो पकौड़े होते हैं वो बहुत ही जो है ना वो बन जाते हैं नरम से तो हमने इनको क्रंची रखने के लिए ना सिर्फ लीमों का इस्तेमाल करना है ये देखें ये देखें जरा बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी किस्म के पकौड़े हमारे तैयार हो रहे हैं फिर मैंने ऑयल जो लिया उसके अंदर मैंने वन बाई वन डालती गई हूँ पकौड़े जब अच्छी तरह ये फ्राई हो जाएंगे तो गोल्डन ब्राउन कर लें हमने अच्छी कार, तरह कर लेना फिर हमने इनको बाहर निकाल लेना और जना मैं हमेशा कहती हूँ जब ऑयल वाली कोई भी चीज़ आप लेना तो साइड पे कोई चीज़ भी निकाल के रख लें ताकि जो एक्स्ट्रा घी है ना वो उसके ऊपर ही लगा रहे और जो आपकी डिश है ना उसके ऊपर कोई तेल वगैरह ना लगे जैसे मैंने ना हमेशा की तवा रखा होता है जो ऑयल होता है उसके नीचे रह जाता है ठीक है इसके बाद अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करके आपने उनको डिश आउट कर लेना भी बस मेरी डिशेज अच्छी लगें तो लाजमी कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताया करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि तो मैं आपके लिए नई से नई डिशेज़ लेके आऊँ ठीक है तो ये हमारे डिश आउट हो गए जनाब आप देखें मज़ेदार